जनपद रुद्रप्रयाग के 10 जूला क्षेत्र के 24 गांव की आराध्य में मां चंडिका मंदिर महड़ में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्श प्रत्यावर्तन और चंडिका द्वारा यात्रा स्मारक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केदारनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक मनोज रावत ने शिरकत की और विधिवत धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि स्मारिका किसी भी कार्यक्रम के क्रियाकलापों का लिखा जोखा होती है। आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रमों को करने में ये लिखित दस्तावेज सहायक सिद्ध होते हैं। वहीं दीवारा बन्यास समिति के अध्यक्ष धीर सिंह बिष्ट ने बताया कि 90 साल पूर्व हुए बन्यास कार्यक्रम के कोई लिखित दस्तावेज प्राप्त न होने से परंपराओं के निर्वहन व दीवारा के क्रियाकलापों को संपन्न करने में कुछ कठिनाइयां सामने जरूर आई, लेकिन जनता जनार्दन व क्षेत्र की सभी ग्रामीणों के सहयोग से भव्य दीवारा बन्यास संपन्न हुई। समिति के संरक्षक हीरा सिंह नेगी ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए दीवारा बन्यास के सफल आयोजन के समस्त क्षेत्रवासियों का उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष धीर सिंह बिष्ट व महामंत्री देवेंद्र जग्गी ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट के आरोप प्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जिला क्षेत्र के 24 बानी गांव हैं, इनके द्वारा जो चंडिका दीवारा यात्रा 92 साल बाद जो बताया गया मुझे कि 92 साल बाद आयोजित हुई है और लगभग 9 महीने इन लोगों ने इस यात्रा में एक धार्मिक तपस्या की, नंगे पैर चले हैं। तो देखिए, एक तो ये हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को और हमारे जो सनातन की जो परंपरा थी उसको अक्षुण रखती है, जिंदा रखती है। और ये यात्राएं गांवों को देखने का, मुल्क को देखने का, नई चीज़ें सीखने का भी अवसर देती हैं। ये 3 दिन का कार्यक्रम है और जितनी भी मैंने स्वयं महसूस किया है, मातृशक्ति का जो देवी की शक्ति है वो हमको जो है, जितने भी हम लोगों को जो है ये दीवारा यात्रा में कहीं पे भी कुछ कष्ट हुआ तो कहीं पे हम लोगों को कष्ट नहीं हुआ है। पूरी यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। किस 50 आदमी हमारे उस दीवारा यात्रा में चलते थे, लेकिन किसी को भी किसी प्रकार से कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। परंपराओं के अनुसार ये है कि इस जो दीवारा यात्रा हमारी 9 महीने तक चली, इसके बाद 6 महीने तक देवी की जो प्रकाश काष्ठ मूर्ति होती है उसको मंदिर में, मंदिर से बाहर रखा जाता है और उसकी शक्तियों का वो होता है और आज उसका सकलीकरण करके कल रखा जाएगा उसको।